देखिए, एक लिटरेरी टर्म है, इंग्लिश लिटरेचर में प्रयोग होता है, बर्लेस्क, BURLESQUE, बर्लेस्क। तो क्या मतलब होता है बर्लेस्क का, जानेंगे एग्जांपल से, अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है बर्लेस्क समझिए। देखिए, बर्लेस्क का मतलब होता है खिल्ली, हंसी, ठट्ठा, मजाक। क्या मतलब हुआ वो आगे हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इसका शब्द विच्छेद करते हैं। लिटरली जो है बर्लेस्क जो है शब्द, इटालियन शब्द बर्लेस्को से लिया गया है, और उसके रिटर्न में बर्ला का मतलब होता है अ जोक, रिडिक्यूल और मॉकरी। तो साफ साफ पता चल रहा है कि हम किसी का जब रिडिक्यूल करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, हंसी करते हैं, ठट्ठा करते हैं, तो उसी को हम बर्लेस्क बोलते हैं। यह एक प्रकार का जो है एक्टिंग है या राइटिंग है, मतलब एक्टिंग का इन द सेंस थिएटर पे स्टेज, थिएटरिकल स्टेज पे एक्टिंग करना होता है, और राइटिंग का मतलब होता है पीस ऑफ राइटिंग, मतलब राइटिंग में वो सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे वो एसेज हो, नॉवेल हो, या ड्रामा हो, या कोई भी ऐसा जिससे को जो के सीरियस चीज को जो है हंसी मजाक में लेकर के उसको कटाक्ष करे, वही आपका बर्लेस्क है। तो शॉर्ट में जो मैंने आपको बताया कि देयर मे बी बर्लेस्क इन अ प्ले, स्टोरी, नॉवेल, मतलब स्टोरी, ड्रामा, नॉवेल, किसी में भी बर्लेस्क हो सकता है, जो के क्या करता है, दैट मेक्स अ सीरियस सब्जेक्ट सीम फनी और रिडिकुलस। जो सीरियस सब्जेक्ट है उसको फनी और रिडिक्यूल बना करके उस पर कटाक्ष करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, उसी को हम बर्लेस्क बोलते हैं। और उसको उपहास करने का मतलब यह है कि समाज में जो वो बुराई है उस बुराई को दिखाया जाए कि ये बुरा है, उसको मजाक के तौर पे ले करके, सीरियस टॉपिक को मजाक के तौर पे ले करके उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं, वही आपका बर्लेस्क है। और दूसरे शब्दों में बर्लेस्क को हम पैरोडी, मॉकरी या सटायर बोलते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति का या किसी चीज का किया जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल है आपका द रेप ऑफ द लॉक बाय एलेक्सेंडर पोप। एलेक्सेंडर पोप द्वारा लिखा गया ये पोएम है, एक कविता है, जीवन की एक छोटी सी घटना पर व्यंग करती है, जो बालों के एक लॉक को लेकर दो कुलीन परिवारों के बीच संघर्ष, लड़ाई, झगड़े को बताती है, दर्शाती है, द रेप ऑफ द लॉक। वो कटाक्ष करती है फनी वे में। तो ये आपका बढ़िया एग्जाम्पल है बर्लेस्क का। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है अ मॉडेस्ट प्रपोजल बाय जोनाथन स्विफ्ट। ये भी एक कटाक्ष है, बर्लेस्क वर्क है, जो क्रिटिसाइज करता है सीरियस टॉपिक को, मतलब सोशल का जो, समाज का जो इश्यूज है, सीरियस इश्यूज है, रिडिकुलस वे में कटाक्ष करते हैं सामाजिक बुराइयों को। ठीक है? तो उम्मीद है आपने बर्लेस्क को हिंदी और इंग्लिश में और इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।